Shut up and sit down. पाठ 24, राजेंद्र उपाध्याय। ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जिसमें आपको वही करना और सोचना पड़े जो दूसरे कहे, उसी तरह उठना बैठना पड़े जिस तरह दूसरे कहे, तो आपको कैसा लगेगा? कठपुतली का खेल तो आपने देखा ही होगा। दूसरों के वश में रहना यानी पराधीनता कठपुतली की नियति है, उसे दूसरा ही संचालित करता है। कठपुतली में प्राण यानी चेतना नहीं होती, इसलिए पराधीनता के कारण न तो उसे पीड़ा होती है न ही वो मुक्त होना चाहती है। लेकिन मनुष्य सदैव स्वतंत्र रहना चाहता है, यह उसका स्वभाव है। यह बात आपने पाठ परशुराम के उपदेश कविता में भी पढ़ी है। यदि मनुष्य अपने इस स्वभाव को भूलकर अपनी विवेक बुद्धि को त्याग कर वही करे जो दूसरे कहे, तो मानवता का विकास कैसे होगा, उसका भविष्य क्या होगा, आपने कभी सोचा है? आइए एक ऐसी कविता पढ़ते हैं जिसमें कठपुतली जैसा जीवन व्यतीत करने वाले लोगों पर व्यंग करके उनकी आलोचना की गई है। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप पराधीन चेतना का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, मनुष्य पर पराधीनता के दुष्प्रभाव के बारे में बता सकेंगे, मनुष्य विशेष रूप से युवा पीढ़ी द्वारा विवेक के उपयोग का महत्व समझा सकेंगे, स्वतंत्र विकास के लिए विचारों की दृढ़ता और आत्मनिर्भरता के योगदान का उल्लेख कर सकेंगे, कठपुतली कविता के महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या कर सकेंगे, कविता की भाषागत विशेषताएं बता सकेंगे। 24.1 मूल पाठ। आइए एक बार इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ ले। कठपुतली। हम कठपुतली है पर हम नहीं जानते कि हम कठपुतली है। हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। हम जानते हैं कि हम कठपुतली है, फिर भी हम कठपुतली बने रहते हैं, क्योंकि कठपुतली बने रहने में सुविधा है। किसी दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर हम खुश रहते हैं, क्योंकि फिर हमें अपनी डगर नहीं बनानी पड़ती। हम कठपुतली है और हमारे पास आए हर आदमी को हम कठपुतली बनाना चाहते हैं, वो भी इसी में अपनी भलाई मानता है। हर आदमी एक दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर आज़ाद है। आज़ादी के नारे लगाने वालों को देखो, उनकी डोर भी उनके हाथ में नहीं है। जो कहते हैं कठपुतली के इस खेल में कठपुतली नहीं बनेंगे, वे चुपके से कठपुतली बना दिए जाते हैं। वे ही सबसे पहले अपनी डोर किसी और को थमा देते हैं नामालूम तरीके से। कठपुतली बने हुए हम जीते रहते हैं बरस दर बरस, और मरते वक्त पाते हैं कि अरे हम तो कठपुतली थे। कोई और कहीं से हमें चला रहा है, कोई और कहीं से हमें जो कह रहा है वो हम कह कर रहे हैं। ऐसे हम आज़ाद हैं। एक कठपुतली हजारों कठपुतली तैयार करती है। कठपुतली के तो केवल हाथ पैर ही बंधे होते हैं, हमारे तो आँख कान नाक मुँह सब बंद है। राजेंद्र उपाध्याय। 24.2 बोध प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, हम जानते हुए भी कठपुतली बने रहते हैं क्योंकि क, इसमें सुविधा मानते हैं। ख, यह हमारा स्वभाव है। ग, स्वतंत्रता हमें अच्छी नहीं लगती। घ, कठपुतली की तरह हम जड़ हो चुके हैं। इसका सही उत्तर है क, इसमें सुविधा मानते हैं। दो, उनकी डोर भी उनके हाथ में नहीं है, किसके बारे में कहा गया है? क, कठपुतलियों के बारे में। ख, आज़ादी का नारा लगाने वालों के बारे में। ग, कठपुतली बनाने वालों के बारे में। घ, कठपुतली का खेल दिखाने वालों के बारे में। इसका सही उत्तर है ख, आज़ादी का नारा लगाने वालों के बारे में। तीन, किन लोगों को अपनी डगर नहीं बनानी पड़ती? क, स्वतंत्र विचारों के लोगों को। ख, सुविधाजीवी लोगों को। ग, आज़ादी का नारा लगाने वालों को। घ, हर आदमी और हर औरत को। इसका सही उत्तर है ख, सुविधाजीवी लोगों को। चार, अरे हम तो कठपुतली थे, यह किस समय पता चलता है? क, युवावस्था में। ख, वृद्धावस्था में। ग, मरते समय। घ, वर्षों बाद। इसका सही उत्तर है ग, मरते समय। 24.3, आइए समझे। अंश एक। समस्त प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा है जो अपने जीवन की समीक्षा करता है, अर्थात अपने गुण दोषों का विवेचन करता है। इस कविता के आरंभ में कवि हम शब्द का प्रयोग करता है। वह इसके माध्यम से मनुष्य के कठपुतली बन जाने यानी उसके पराधीन हो जाने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। कवि इसमें स्वयं को भी शामिल करता है। वह कहना चाहता है कि पराधीन जीवन जीने वाला कोई भी हो सकता है, मैं भी, आप भी।
स्पष्ट है कि वह इस संदर्भ में आत्मालोचन करता है। जब कोई किसी दोष को दूसरों के साथ साथ अपने भीतर भी देखता है और उसका विरोध करता है तो वह आत्मलोचना होती है। आत्मलोचना व्यंग का आदर्श रूप है। अपने अस्तित्व और महत्व को भूलकर दूसरों के नियंत्रण में हो जाने की प्रवृत्ति को हम अपने परिवार, समाज और देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देख सकते हैं। व्यक्ति ही कठपुतली नहीं बनता, एक देश भी दूसरे देश की कठपुतली बन सकता है। जिस तरह स्वाधीनता केवल आर्थिक तथा राजनीतिक ही नहीं होती, मानसिक भी होती है, उसी तरह पराधीनता भी मानसिक हो सकती है। पराधीनता चेतना व्यक्ति, समाज और देश के विकास को अवरुद्ध करती है। एक अनुभव तो हम सब लोगों के बहुत निकट का ही है। आप देखते हैं कि बहुत से परिवारों में बड़े अपने से छोटों को सदैव अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। वे छोटों को उनकी क्षमता और इच्छा के अनुसार जीवन की सही राह नहीं चुनने देते, बल्कि अपनी इच्छाओं को उन पर थोपते हैं। परिणाम स्वरूप किशोर तथा युवा पीढ़ी अनेक प्रकार के मानसिक दबावों में जीती है। इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं जिनके विषय में आप जानते ही हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किशोर वर्ग के मानसिक दबाव क्या क्या है? कोई 5 का उल्लेख कीजिए। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कविता में कठपुतली पराधीन व्यक्तित्व का प्रतीक है। कठपुतली का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह खेल दिखाने वाले की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। यह खेल सभी को अच्छा लगता है, लेकिन यदि मनुष्य ही कठपुतली बन जाए तो क्या यह अच्छा होगा? दुर्भाग्य से इधर यह प्रवृत्ति हम अपने आस पास अक्सर देखते हैं। बहुत से व्यक्ति आजीवन दूसरों के प्रभाव में कार्य करते हैं। यह स्थिति इतनी बढ़ रही है कि कवि को पुनः कहना पड़ता है, हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। हमारे समाज में लोगों को कठपुतली के रूप में रहते रहते ऐसी आदत पड़ जाती है कि वे यह भूल जाते हैं कि वे पराधीन हैं। यहाँ एक अर्थ और भी है, वह यह कि अपनी मानसिक परतंत्रता का बोध ही समाप्त हो जाता है। यदि जीवन में कभी कभार यह एहसास होता भी है कि हम कठपुतली है, तो वह तुरंत ही समाप्त हो जाता है और हम कठपुतली ही बने रहने में अपना भला समझते हैं। क्यों? क्योंकि सुविधाएं, उनसे प्राप्त खुशियां और जीवन जीने के बने बनाए रास्ते तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब हम दूसरों का कहा करते रहे, अपनी डोर दूसरों के हाथों में दे दें। यह हम सबके जीवन का अनुभव है कि हम में से बहुत से लोगों का जीवन दूसरों का कहा करने में ही बीत जाता है, चाहे वह गलत हो चाहे सही। ऐसा कभी भय के कारण किया जाता है, कभी भौतिक सुखों के लालच में, कभी नौकरी बचाने के लिए किया जाता है, कभी केवल इसलिए कि हम बड़ों के आदेश का पालन करना है। कुल मिलाकर ऐसा करने के पीछे हमारा विवेक नहीं, कोई भय, लोभ या जीवन की रूढ़ियां ही होती है। अब तक आपके सामने यह स्पष्ट हो गया होगा कि अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता एक ऐसा मूल्य है जिसकी प्राप्ति के लिए बहुत सी सुविधाएं, खुशियां और बने बनाए रास्तों की उपलब्धता को छोड़ना पड़ता है। अपनी राह खुद बनाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। राह या डगर का अर्थ है जीवन जीने का अपना तरीका। कवि यह कहना चाहता है कि हम अपने विवेक के आधार पर यह चुनाव करें कि हमारे जीवन की सही दिशा क्या होगी। याद कीजिए महान लोगों के जीवन संघर्ष को। यदि वे भी वही करते जो दूसरों ने किया, यानी बनी बनाई राहों पर चलते, तो क्या हम उन्हें महान व्यक्तित्व कहते? झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, नेहरू आदि को क्या किसी सुविधा की कमी होती यदि वे अंग्रेजों की कठपुतलियां बन जाते? कल्पना चावला, सानिया मिर्जा जैसी लड़कियां यदि बनी रूढ़ियों पर चलती तो क्या उस स्थान पर पहुंच सकती थी जहां वे पहुंची? स्पष्ट है कि बने बनाए रास्तों पर चलने वाले लोग सामान्य होते हैं और इन रास्तों को छोड़कर नई राह बनाने वाले महान। कहा भी गया है, छाड़ी लीक तीनों चले सायर, सिंह सपूत। पाठकत प्रश्न 24.1। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक पंक्ति में लिखिए। 1. कठपुतली किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है पराधीन व्यक्तित्व का। 2. हम कठपुतली है कविता की पंक्ति में हम से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है हम सभी, वह कोई भी हो सकता है, हम भी, आप भी। 3. दूसरे के हाथों में अपनी डोर देने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है दूसरे के नियंत्रण या वश में होना। 4. अपनी डगर खुद बनाने के लिए किस बात की आवश्यकता है? इसका उत्तर है परिश्रम और संघर्ष की। अंश 2.
कवि आगे कहता है कि कठपुतली बने हुए व्यक्ति के संपर्क में जो भी आता है उसे वह कठपुतली बनाना चाहता है, यानी न वो खुद स्वाधीन है और न ही किसी दूसरे को स्वाधीन देखना चाहता है। इस तरह लोगों को कठपुतली बनाना एक संक्रामक फैलाने वाले रोग के समान है। कठपुतली बनना मनुष्य का एक दोष है, यह वह जानता है। इसे समाप्त करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वह स्वयं से लड़े और लालच को छोड़कर बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस बुराई को छोड़ दे, या जो इस बुराई से ग्रस्त नहीं है उन्हें भी अपने समान कठपुतली बना दे। अपने दोषों को छिपाने का दूसरा तरीका एक और सरल उपाय बन चुका है। बुरा मैं ही नहीं, सभी बुरे हैं, यह सोचकर व्यक्ति अपने को ठीक ठहराने का प्रयास करता है। दूसरी ओर जिस आदमी को कठपुतली बनाया जाता है वह भी इसी में अपनी भलाई मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि कठपुतली बनकर जितनी आसानी से सुविधाएं और बने बनाए रास्ते प्राप्त हो जाते हैं उतनी आसानी से स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखकर प्राप्त नहीं कर सकते। आप यह तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर भलाई का क्या अर्थ है। जी हाँ, आपने आपको दूसरों के हाथों में सौंपने के बाद जो सुविधाएं मिलती है वे ही भलाई कही गई है। इस तरह भलाई शब्द में व्यंग निहित है। इसके बाद की तीन पंक्तियों में एक विरोधाभासी अभिव्यक्ति की गई है। विरोधाभास वही होता है जहाँ दो बातों में विरोध दिखाई पड़े लेकिन वास्तव में न हो। कवि कहता है कि हर आदमी एक दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर आजाद है। अगर कोई अपनी डोर दूसरे के हाथों में दे दे तो वह आजाद कैसे हो सकता है। वस्तुतः यहाँ आजादी से तात्पर्य है श्रम और संघर्ष न करने की निश्चिंतता। स्वतंत्रता के बदले जो चीजें मिल रही है वे भी इस आजादी के अर्थ में शामिल है। स्पष्ट है कि यह आजादी वास्तविक नहीं बनावटी है, पशुओं जैसी है। इस तरह के आजाद रहने वाले लोग वास्तविक आजादी के महत्व को नहीं समझते। वे आजादी का दिखावा करने के लिए उसके नारे लगाते हैं क्योंकि दूसरे उनसे आजादी के नारे लगाने के लिए कहते हैं। क्या वे सचमुच आजादी का अर्थ समझते हैं? स्वयं आजाद है, आपने ठीक कहा, नहीं। आइए कविता को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आजादी का ढोंग करते हुए जोर जोर से यह घोषणा करते हैं कि वे कठपुतली बनाए जाने के इस खेल में शामिल नहीं होंगे, कठपुतली नहीं बनेंगे, यानी अपनी स्वतंत्रता दूसरे को नहीं सौंपेंगे। वे लोग यह प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि कठपुतली बनाकर सुविधाएं देने वाले लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। दूसरों को पता भी नहीं चलता और वे लोग कठपुतली बना दिए जाते हैं। स्पष्ट है कि दिखावा करने वाले लोग दूसरों को अपनी आजादी सबसे पहले सौंपते हैं। इस तरह कठपुतली के रूप में मनुष्य अपना पूरा जीवन गुजार देता है। मरते समय वह यह सोचता है कि अरे हम तो कठपुतली थे। जानते हैं यह वाक्य क्यों कहा गया है? कहा जाता है जीवन के अंतिम पड़ाव में मनुष्य अपने जीवन की समीक्षा करता है, यानी वह देखता है उसने अपना जीवन किस तरह बिताया, उसकी कोई सार्थकता रही कि नहीं। वह दूसरे प्राणियों की तरह बनी बनाई लीकों पर ही चलता रहा कि नए रास्ते भी खोजे। जीवन के ऐसे क्षण में कठपुतली बनकर जीने वालों को अनुभव होता है कि उनका जीवन निरर्थक ही रहा, उन्होंने मानवता के विकास में कोई योगदान नहीं दिया। कवि यहाँ पर संदेश देता है कि हमें अपने जीवन को संतोषजनक और सार्थक बनाने के लिए सही गलत का फैसला बुद्धि के अनुसार करना चाहिए। इस आधार पर जीवन का मार्ग स्वयं तैयार करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अंत में हम संतुष्ट भी होंगे कि हम कठपुतली बनकर नहीं जिए। पाठकत प्रश्न 24.2। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही वाक्यों के आगे सही और गलत वाक्यों के आगे गलत का निशान लगाइए। क, परिश्रम तथा संघर्ष से बचने वाले लोग ही कठपुतली बनते हैं, यह वाक्य सही है। ख, कठपुतली बने लोग आजादी का वास्तविक महत्व नहीं समझते, यह वाक्य सही है। ग, जीवन की सार्थकता मनुष्य के कठपुतली बने रहने में ही संतोष प्रदान करती है, यह वाक्य गलत है। घ, आजादी का नारा लगाने वाले सभी लोग स्वाधीन रहते हैं, यह वाक्य गलत है। अंग, नए मार्ग बनाकर हम मानवता के विकास में योगदान देते हैं, यह वाक्य सही है। च, विवेक सही गलत का फैसला करने में रुकावट डालता है, यह वाक्य गलत है।